नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का अचार। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे टुकड़ों में कटी हुई गोभी, गाजर कटे हुए, अदरक कद्दूकस किया हुआ, कुटी हुई मिर्ची, लहसुन भी कुटा हुआ, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, जीरा, साबुत धनिया, मेथी, राई, कलौंजी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। सबसे पहले हम मसाले भून लेते हैं और हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे धनिया, सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी, इसमें से खुशबू आने लगी है और ये भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। मसालों का पाउडर तैयार है। अब हम राई को भी दरदरा पीस लेते हैं। अब हम अचार बनाते हैं। गोभी और गाजर और इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। ये हमने लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया पत्ती, हल्दी पाउडर, नमक, मसाला। मसाले को हम थोड़ी देर बाद और डालेंगे, इसे थोड़ी थोड़ी देर में डालते हैं। और ये राई, लाल मिर्च पाउडर। अब हम मसाले और डाल लेते हैं। ज़्यादा मसाला नहीं डाला है हमने, बस 3 चम्मच के लगभग। और सरसों का तेल डाल देते हैं। अब हम इसे ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल और लेते हैं। ये हमारा अचार रेडी हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।